आज कांग्रेस पार्टी की हालत क्या हो गई है जहां जहां से राहुल गांधी निकलते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती है वो न्याय यात्रा नहीं होती है एक तो वो अन्याय यात्रा होती है और दूसरी वो तोड़ो यात्रा होती है कहने के लिए नहीं कह रहा हूं वो दक्षिण से चले थे आज डी के शिव कुमार का भाई संसद के अंदर बोलता है कि साउथ को एक अलग कंट्री बना देनी चाहिए ये ये तुम्हारी जोड़ो यात्रा जिसके बारे में जिक्र अभी हमारे आशीष शेलार जी ने किया अफजल अफजल गुरु के बारे में अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है क्या नारे लगे थे जेएनयू में भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाला इंशाला दूसरा नारा क्या लगा था अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं यानी अफजल के कातिल कौन हुए सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी की सजा सुनाई भारत के उस समय के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति थे और जिन्होंने उसको माफी नहीं दी वो शर्मिंदा वो कातिल हैं। ये कहने वालों के साथ दूसरे दिन राहुल गांधी खड़ा होता है कि नहीं होता है ये जोड़ो यात्रा पर चले तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए चुप्पी क्यों बन, बना रखी है और कांग्रेस पार्टी के नेता कोई जवाब नहीं देता इसका अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम गले से गला मिलाकर चलते हो भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाला इंशाला इनके साथ तुम खड़े होते हो और फिर जोड़ो यात्रा पर निकलते हो तुमको देश से माफी मांगनी चाहिए दूसरी बात यह इंडिया अलायंस है क्या इंडिया अलायंस है क्या यह अलायंस जितने लोगों पर मुकदमे हैं उनका अलायंस है यह अलायंस परिवार को बचाने का अलायंस है यह अलायंस संपत्ति को बचाने का अलायंस है यह अलायंस भ्रष्टाचार को छुपाने का अलायंस है और इसके सिवाय ये कोई अलायंस नहीं है ये वंशवाद का अलायंस है ये प्रॉपर्टी का और भ्रष्टाचार का अलायंस है इससे ज्यादा कुछ नहीं है